लेब जो खात्मो आंदो वींदो मुस्लिम लीग नून पंजो चूंड मंशूर पेश करे छड़ियो। मुस्लिम लीग नून के मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पार्टी मंशूर जो ऐलान किया। मंशूर में चयो है तो माली साल 2025 तई महंगाई में 10% घटाई आंदी वी, 5 साल में 1 करोड़ का नौकरियों दिनी वीं, करंट अकाउंट खसारो GDP जो 1.5% तई वो। नवाज लीग के मंशूर मूजिब पार्लियामेंट की बालादस्ती के यकीनी बनाए वो, आर्टिकल 62 और 63 के पांजी असल हालत में बहाल किया वो। अदालती कानूनी इंसाफ के निज़ाम में सुधार आंदा वा, बर वक्त असरायतो अदालती निज़ाम लागू किया वो। नेब जो खात्मो आंदो वो, जाबता फौजदारी 1998 1906 में तरमीमू कई वो। मु हमेशा उसूल की सियासत कई है, असाजे खिलाफ़ हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई कई वही, मुझे मंशूर ना तो हुकूमत हटाने लाइ लॉन्ग मार्च करें। टीपी सा जजिस समेत मुख्तलिफ मामलों से इख्तलाफ हुआ, टीपी के मुद्दों पूरा करने जो मौको दई नई रिवायत कायम कई। मौको मिलो तो मंशूर से अमल कंदासी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो मंशूर पेश करने वाली तकरीब के खिताब। शहबाज शरीफ जो चवण है तो मंशूर सब पेश कंदा पर को अमल कंदो है। अवाम दिसे तो रिवायती मंशूरन से कड़ी पार्टी केतरो अमल कयो। ताली में सेहत जा चैम्पियन बणजंदड़ पंजे सूबे में कुछ न करे सकया, केपी में अस्पतालू और स्कूल तबाह क्या व्या। नवाज शरीफ खिलाफ केतरन ही महीनन ताई इस्लामाबाद में धरना हया व्या। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ खिलाफ न पर पाकिस्तान की तरक्की खिलाफ हो। मुल्क में आम चूंडू वेझो इंदे ही चूंड सरगर्मियों तेज थी वयूं। पीपुल्स पार्टी अज पिशावर में अवामी ताकत जो मुजाहरों करने लाए तैयार। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे के खिताब कंदो। एक साल में 400% इजाफे बावजूद ओगरा गैस वधीक महंगी करने की सिफारिश करे छी। पेट्रोलियम वारी वजारत के जरिए मौजब ओगरा गैस की कीमतों में 41% इजाफे की सिफारिश कई है और हुकूमत की मंजूरी का पोए इंदड़ महीने का इजाफो लागू थे इम्कान है। ओगरा उन पैर एक साल में 400% गैस का अघ वधाए चुको है। मुल्क जो ईंदड़ वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंद। पीपी हमेशा गरीबन सिंध की तरक्की ला कम किया है। पीपी इक्तदार में अची अवाम जहा रहल मसैला हल कंदी नौकरियों डींदी। सिंध के अगूणे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो खुदाबाद वेझो पक्का शहर जो जलसे के खिताब। MQM खैर की उम्मीद ना है। MQM वारा कराची की बर्बादी जहा जिम्मेवार आहिन। मुखालिफ असा के आरण लाय गरजी रहा आहिन। इहा ही असा जी कामयाबी है। यकीन है तो पीपी कराची की सब का वड़ी जमायत तौर सामू इंदी। पीपी अगवान सईद गनी जो कराची में मीडिया से गालू संदस चवण है तो फहमीदा मिर्जा 26 करोड़ रुपये के डिफॉल्टर है। समझ का बाहर है तो कड़न सबबन के करे फहमीदा मिर्जा के इलेक्शन विढ़ की इजाजत दिनी वही। नून लीग के सिंध में उम्मीदवार ही नाहन मिलिया। मरियम नवाज सियासी तनकीद भले करे पर चूंडन में नून लीग जो सिंध में सफायो थी वो। सिंध के निगरान वे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की कोशिशन रंग लातो। पुरानन क्वार्टर के खाली जमीनों से वड़ियों इमारतों जोड़न जो मंसूबो। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से MOU की मंजूरी दई छी। वाहिदो वफाकी हुकूमत हाउसिंग एंड वर्क्स मकानी खाते और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन विच में होंद। टई धुरियों जहांगीर मार्टन कैलेटन और पाकिस्तान क्वार्टर के नए सिर तामीर कंदियों। निगरान वे वजीर जो चवण है तो MOU जो मकसद धुरियों के जदीद शहरी जिंदगी की घुर्जन मुताबिक सहूलतू फराम करना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर पांजे रुख्सत की दरख्वास्त वापस वठी छड़ी। कानून वारी वजारत जज मोहम्मद बशीर के रिटायरमेंट तई मोकल की दरख्वास्त इन वक्त तई मंजूर ना कई। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में PTI बानी खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वारा केस बुधनी हेठा। PTI बानी के तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल खिलाफ दरख्वास्त बुधनी लाए मुकरर।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में बरुकनी बेंच 29 जनवरी से बुधनी कदी अदालत लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार के दायरे बाबत पे दलील तलब कर वरता। अमरीकी अदालत अगूणे सदर डोनाल्ड ट्रंप के 83 मिलियन डॉलर हर्जाने जो हुक्म दई छो। न्यूयॉर्क की ज्यूरी इज्जत के छियो रसायण वाले केस जो फैसलो बुधाईंदे है तो डोनाल्ड ट्रंप के लेखिका के कूड़ो चवण से 83 मिलियन डॉलर देना पवंदा। अगूणे सदर अदालत के फैसले के मजाक जोगो करार दींदे उन खिलाफ अपील दाखिल करण जो फैसलो कर वरतो। इसराइली वजीर आजम नितिन याहू जो इंसाफ की आलमी अदालत के फैसले से रद्द अमल। नितिन याहू जो चवण है तो इसराइल आलमी कानून की पासदारी कदे पांजो दिफा जारी रखो। इसराइल के पांजे दिफा जो पूरो अख्तियार है। इसराइल के खिलाफ नसलकुशी जो इल्ज़ाम कूड़ो ए चिड़ जारींदड़ है। असांजी जंग हमास के खिलाफ है फलस्तीनियन खिलाफ न। इसराइल हमास खिलाफ जंग जारी रखो। जोही भरसा फुलजी विलेज थाने की हद में जमीनी तकरार था कंबरानी बिरादरी की बिंदरियन में झेड़ो एक जनो कतल चार जख्मी। कोट कोट बाजू में छह का हथियारबंदन हमलो करे जुल्फकार अली कंबरानी के सख्त जख्मी कयो जै बाद में दम दिनो बिन्हीं धिरन में चकतान इलाके में दहका। गुलामला वेझो डीसी फार्म वट रोड त पुलिस एहलकार जो लाश थे इतलाते पुलिस पहुंची सुलेमान गंभो जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। जैकबाबाद में कौमी शाहरा से लोडर रिक्शा ए बस में टक्कर 8 जना जख्मी के सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो।